हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडविला पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 है ये, इंग्लिश क्लास 9th के लिए। देखिए, इस वर्कशीट के 2 सेक्शन है बच्चों, ए और बी सेक्शन है। ए सेक्शन में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं 1 नंबर के, और बी सेक्शन में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 1 नंबर के, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी हैं 5 नंबर के। तो आप ये देख सकते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो। तो यहाँ पर ये हो गया पैसेज सेक्शन बी, एंड बी में दोनों आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, 5-5 नंबर के हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर बताना है। लॉकडाउन फेज हैज लेड अस टू थिंक ऑफ अल्टरनेटिव्स टू कंटिन्यू आवर स्टडीज़। मतलब लॉकडाउन से क्या हुआ है कि हम अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए अल्टरनेटिव सोचते रहते हैं। और जो ऑनलाइन क्लास है इज़ वन ऑफ द ऑप्शन। अल्टरनेटिव तो है ना, ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट कुड नाउ बी इन टच, स्कूल के टच में है। दे वुड नॉट मिस देयर स्टडीज़, वो अपने स्टडी को मिस नहीं कर सकते। दे रिसीव वर्कशीट, वो वर्कशीट को रिसीव करते हैं। वीडियो लिंक्स लेते हैं, ऑडियो फाइल्स लेते हैं, इमेजेस लेते हैं बुक्स की, और स्टडी मटेरियल जो भी है वो किसी न किसी ऑप्शन के द्वारा पढ़ाई को रेगुलर रख रहे हैं। टीचर एंड स्टूडेंट कैन मीट अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म, एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, जैसे व्हाट्सएप के थ्रू या गूगल मीट है, जो भी है कॉलिंग, उसके द्वारा भी क्लासेस होती है। स्टूडेंट कैन इंटरेक्ट विद फेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट अपने फेलो स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अपने कंसर्न को टीचर के साथ वीडियो और टेक्स्ट के द्वारा है। ऑनलाइन क्लासेस बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ, जो ये ऑनलाइन क्लासेज है ना, इन्होंने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया ही है स्टूडेंट की, क्योंकि स्टूडेंट को एक जरिया मिल गया है पढ़ने का जरिया मिल गया है, और अब वो निराश नहीं है। दो स्टूडेंट हु आर नॉट कंफर्टेबल स्पीकिंग, मतलब स्पीकिंग में कंफर्टेबल नहीं है, वो रिटर्न मैसेज भेजते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। स्टूडेंट कैन वर्क एंड स्टडी एट देयर ओन पेस, अपने स्पीड से बच्चे अपना काम कर सकते हैं। तो एक जैसी स्पीड जरूरी नहीं है कि हो, जिसकी तेज है किसी की धीरे स्पीड है, वो अपना काम कर सकते हैं। दे अटेंड देयर क्लासेज, वो अपनी क्लास को अटेंड करते हैं, वर्क को करते हैं, एंड लेटर फिनिश देयर होमवर्क, होमवर्क भी फिनिश करते हैं। एवरी डे दे फॉलो अ नॉर्मल स्कूल रूटीन को फॉलो करते हैं, सो दे डोंट मिस स्कूल और स्टडीज, वो मिस नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेज हैव प्रूव टू बी गुड ऑप्शन एजुकेशन सिस्टम का। चलिए अभी इस बेस पे क्वेश्चन के आंसर करते हैं। ड्यूरिंग लॉकडाउन फेस अल्टरनेटिव टू कंटिन्यू स्टडीज इज क्या है, कौन सा अल्टरनेटिव, ऑनलाइन क्लासेज, फिजिकल क्लास, नो स्टडीज या वेकेशन। तो ऑप्शन होगा ए, ऑनलाइन क्लासेज। व्हाट डू द स्टूडेंट रिसीव अपार्ट फ्रॉम द वर्कशीट टू नॉट मिस देयर स्टडीज, अपनी स्टडीज़ को मिस ना करें, तो वो क्या करते हैं वर्कशीट के अलावा। वीडियो लिंक, ऑडियो, हाँ जी वीडियो लिंक से काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ऑडियो फाइल से भी, इमेजेस लेते हैं बुक की। तो ऑप्शन क्या होगा बच्चा, ऑल द अबव। व्हाट डू द स्टूडेंट शेयर विद देयर टीचर, अपने टीचर के साथ क्या शेयर करते हैं, मार्क्स शेयर करते हैं, बुक्स शेयर करते हैं, या कंसर्न शेयर करते हैं, या डेटा शेयर करते हैं। तो कंसर्न अपनी बात को रखते हैं ना, तो यहाँ पे हमने पढ़ा भी था कि स्टूडेंट जो है अपने कंसर्न को, ये देखिए ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, शेयर करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा कंसर्न, सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन होगा। डी क्वेश्चन है, स्टूडेंट कैन डैश देयर, मतलब स्टूडेंट स्टडी कर सकते हैं अपनी पेस से, अपनी पेस मतलब स्पीड से। तो ऑप्शन सेकंड होगा। विच वर्ड इज एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या होता है, अपोजिट। बूस्ट, बूस्ट मतलब होता है बढ़ना है, तो इंक्रीज मतलब भी वही हुआ, इंक्रीज भी वही हुआ, सपोर्ट भी। तो इसका अपोजिट क्या होगा, डिक्रीज ही होगा, यही ऑप्शन नजर आ रहा है सेकंड। सेक्शन बी में देखिए, इन द स्कूल हैव रिसेंटली ओपन द ऑनलाइन क्लासेज आफ्टर समर वेकेशन, लॉकडाउन या समर वेकेशन के बाद ऑनलाइन क्लासेज हुई हैं। यू हैव जस्ट प्रमोटेड क्लास 9th, आपको जो है क्लास 9th में प्रमोट कर दिया गया, 8वीं से 9वीं में आ गए थे। एक डायरी एंट्री लिखनी है डिस्क्राइब करते हुए कि आपकी फर्स्ट ऑनलाइन क्लास का कैसा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। तो बेटा डायरी में आज की डेट डाल देना, और आपको लिखना है कि डियर डायरी, आफ्टर जॉइनिंग ऑनलाइन क्लास, मेरी ऑनलाइन क्लासेस, आई अंडरस्टूड वैल्यू ऑफ टाइम, मुझे समय की वैल्यू समझ में आ रही है। हाउ टू यूटिलाइज टाइम, टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, जो समय खराब हो रहा तब तक, टू ग्रैब द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, ताकि जो अपॉर्चुनिटी है अवसर को ले लेना, ग्रैब कर लेना। टू परफॉर्म बेटर, एक्सपीरियंस ऑफ ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज वॉज फार बेटर देन ट्रेडिशन क्लास, मतलब ऑनलाइन क्लासेज ज़्यादा अच्छी हैं
पहले की ट्रेडिशन क्लासेस से. एज आई गॉट अनलिमिटेड स्कोप्स टू प्रेजेंट माय क्वेरीज, मतलब अब क्या है कि मुझे बहुत स्कोप है मेरे पास अपने आप अपने क्वेश्चन को पूछना. चैट के द्वारा पूछ सकते हैं, वैसे पूछ सकते हैं. फास्ट इन द फास्ट एंड कॉम्पिटिटिव जो एरिया अरेना है ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन बढ़ता जा रहा है, तो जो ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज है वो मेरी बहुत मदद करते हैं ताकि मैं एकेडमिक माइलस्टोन को हासिल कर सकूं. तो बच्चों ये है आपकी डायरी एंट्री, अगर आप देखें तो ठीक है. डेट डाल के आप लोग ये लिखिएगा और नीचे लिख दिएगा बाय डियर डायरी और अपना नाम लिख दीजिएगा. ठीक है बच्चों, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है. 80 से 100 वर्ड में एक्सपीरियंस लिख दिया आपने, थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं. एक आध एक्सपीरियंस आप हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग फुल स्टॉप. फुल स्टॉप का यूज़ करना है, कॉमास का यूज़ करना है, कैपिटल लेटर, एक्सक्लेमेशन और सेमी कॉलोन का, एपोस्ट्रॉफ का, क्वेश्चन मार्क का. चलिए यस, इसमें क्या बोला गया है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ जूम. देखिए यस वी वॉन द क्रिकेट मैच, तो यस का वाई कैपिटल होगा. ठीक है, फिर कॉमा आएगा, यहाँ पे आप कॉमा लगाएंगे, फिर वी डब्लू कैपिटल, वी वॉन द क्रिकेट मैच डॉट लगा देंगे. वैसे एक्सक्लेमेशन का निशान भी हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक बात भी है. हाँ हम मतलब एक्साइटमेंट है. तो पहला हो गया, अब दूसरे की बारी. सम पीपल, सम का पहले तो एस कैपिटल रखिए. पीपल वर्क बेस्ट इन द मॉर्निंग, अदर्स, ठीक है अब यहाँ फुल स्टॉप हो गया क्योंकि ये लाइन ख़त्म हो गई, तो अदर्स का ओ कैपिटल होगा. अदर्स डू बेटर इन द इवनिंग, तो ये हो गया, फिनिश हो गया. सेकंड भी समझ में आ गया ना. थर्ड पे आते हैं, व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट वीकेंड, तो व्हाट पहले तो डब्लू कैपिटल होगा और ये क्वेश्चन मार्क है तो इसमें क्वेश्चन लगेगा. क्लियर है. व्हाट एन अमेजिंग डे, एक्सक्लेमेशन का निशान हो सकता है, डब्लू कैपिटल होगा क्योंकि बहुत ही अच्छा एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत अमेजिंग डे है. नाउ पांचवी की बारी आई, मैंगोज, मैंगोज का एम कैपिटल होगा, कॉमा ग्रेप्स, कॉमा ऑरेंज, नाम जितने भी आएंगे कॉमा लगते जाएंगे, एंड रेसबेरीज आर माय फेवरेट फ्रूट्स, फुल स्टॉप आ जाएगा. नेम है तो कोई वैसा नेम नहीं है, फ्रूट्स नेम नहीं है, कैपिटल लेटर सारे नहीं होंगे. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड द, ए एंड द भरना है आपको, ध्यान से करना है इसको भी. टॉर्टोइज इज अ कॉमन नेम फॉर मेंबर्स, ठीक है, ऑफ द फैमिली ऑफ टर्टल्स. टॉर्टोइज इज अ कॉमन नेम आएगा यहाँ, फैमिली ऑफ द फैमिली, कौन सी फैमिली, जो डेफिनेट है, ऑफ द टर्टल्स दैट लिव एंटायरली ऑन लैंड. टॉर्टोइज आर स्लो मूविंग एनिमल्स नोन फॉर लॉन्ग लाइफ स्पैंस विच इन सम इंस्टेंसेज में एक्सीड 150 ईयर तक भी जिंदा रह जाते हैं टॉर्टोइज. ठीक है, टर्टल फैमिली से ही होते हैं. टॉर्टोइज इनहैबिट ऑल ऑफ वर्ल्ड, द वर्ल्ड, ऑल ऑफ के बाद तो द ही आता है, ऑल ऑफ द वर्ल्ड लैंड मासिस एक्सेप्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. मोस्ट ऑफ टॉर्टोइज लिव इन डैश एनवायरमेंट, कौन सा एनवायरमेंट है ये, ड्राई एनवायरमेंट में रहते हैं. ठीक है, ज़्यादातर टॉर्टोइज ड्राई एनवायरमेंट में रहते हैं, सच एज डेजर्ट या सेवन्स. ठीक है, ऑल दो सम स्पीसीज प्रेफर मॉइस्ट, कुछ मॉइस्ट में भी रहते हैं, सच एज रेन फॉरेस्ट, तो ये नाम हो गया, और वुडलैंड्स. तो हमें भरना क्या है, पुट क्रॉस वेयर नन इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे कहीं भी नहीं लगे. तो टॉर्टोइज आर प्रोटेक्टेड बाय हैवी शेल्स कंपोज्ड ऑफ द इनर बोनी लेयर, तो यहाँ तो द आ जाएगा, अब बसता है डी पार्ट. ठीक है, ऑल्दो सम स्पीसीज प्रेफर मॉइस्ट हैबिट सच एज द रेन फॉरेस्ट एंड वुडलैंड, तो यहाँ भी आप ए और एन तो आएगा नहीं. ठीक है, क्रॉस भी लग सकता है अगर कुछ भी नहीं लग रहा है तो, सच एज, तो यहाँ पर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है क्योंकि ये प्लूरल नाउन भी दिख रहे हैं, तो यहाँ आप क्रॉस लगाइएगा. ठीक है, आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी. सो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें. टेक केयर बच्चों, फिर मिलते हैं.